अगर स्टूडेंट सवाल उठाता है तो उनको बोल दिया टुकड़े टुकड़े गैंग। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बोलता है, कोई शहर में रहता है, तो उसको बोल दिया अर्बन नक्सल। अगर कोई हिंदू बोल दिया तो हिंदू तो बोल नहीं सकता, जैसे इनको लगता है कि हिंदू सरकार से सवाल कैसे पूछ सकते हैं, जैसे मैं सवाल पूछता हूँ तो मैं देशद्रोही बन जाता हूँ। अगर कोई गरीब बंदा बोल देते तो प्रॉपर नक्सल बन जाता है वो, या आदिवासी पूछता है तो। कोई ईसाई पूछता है तो उसको बोल देते हैं कि वतिकान का स्टूज हो। कोई मुसलमान सवाल उठाता है तो आतंकवादी और पाकिस्तानी बोलते हैं, ठीक है। जो भी सरकार से सवाल पूछता है उन सबको इन्होंने एक नाम दे दिया है, नागरिकता पे एक मजहब धर्म की नाम लिखे गए पहली बार इस देश में। जो हमारे इतना ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स का लड़ाई लड़ी जो उसके बाद नागरिकता बनाए, तब हमने ये डिसाइड किया था कि कोई धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं होगी। ये तो फिलहाल विचार नहीं है ये कह रहा है, और साथ ही साथ जो है जुलाई का NPR की जो नोटिफिकेशन है उस पर तो कुछ नहीं, वापस तो नहीं ले रहे हैं। जब ये खुद ही कह रहे हैं कि NRC का गाइडलाइन रूल्स कुछ भी बनाए नहीं, NRC के बारे में हमने अभी सोचा नहीं, तो ऐसे में वो NPR क्यों आगे बढ़ रहे हैं? जो सिंपल, मैं अभी सीतापुर गया था तो एक साथी उदाहरण दे रहे थे, भाई जब पूरी कचौड़ी बनाना नहीं है तो इतना आटा क्यों गूंथ रहे हैं? तो ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन NPR के तौर पर आप कलेक्ट करके रख रहे हैं, और आपने खुद ही इसमें संसद में ही कह रखा है कि NPR जो है NRC के पहला स्टेप है, और आपके जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुए हैं इस सदन के, उसमें आपने प्रेसिडेंट ने कहा है कि NRC हम करेंगे ही करेंगे। ऐसे में ये कहना है कि हम अभी सोचे नहीं है इसके बारे में, वो कोई आश्वासन नहीं है, या ये बताए कि हम सोचेंगे नहीं तब मान सकते हैं। ये बोले कि नहीं NPR का डेटा जो है डाउटफुल सिटीजन के लिए यूज नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जब NRC का गाइडलाइन और रूल्स आपने बनाया नहीं, आप खुद ये बात कह रहे हैं, तो NPR के लेकर आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आप सेंसस करिए, जनगणना करना है सेंसस करिए, हर 10 साल में होता है और इतना साइज से 150 साल से होते आ रहा है, तो आप उसको करिए। उसके जगह पे आप साथ ही साथ NPR करना है, और आप बाद में ये कहेंगे कि उस टाइम हमने सोचा नहीं था, पर आज हम सोच रहे हैं और इसलिए हम NRC अभी लागू कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो जनता को जिस लेवल तक मतलब पता नहीं बेवकूफ़ समझते हैं या खुद को बेवकूफ़ समझते हैं, मुझे नहीं पता। सर NPR की आपने बात की बार बार, लेकिन सरकार का तो कहना यह है कि जो मौखिक रूप से जानकारी दी जाएगी वही NPR में वैल्यू होगी, वही वैलिड मानी जाएगी। हाँ, पर बात ये पूछना है, जो ये जानकारी दी जाएगी उसके बाद उसको यूज करके डाउटफुल सिटीजन का क्राइट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्योंकि जिस कानून में, जिस रूल्स में लिखा है NPR, उसी के अगला में लिखा है कि डाउटफुल सिटीजन, जो नागरिक जिसके ऊपर शक कर सकता है कि नागरिक है कि नहीं। तो ये पूछना सरकार से जरूरी है, ये आपका भी जिम्मेदारी है कि भाई जो NPR के डेटाबेस यूज करके आप NRC का करेंगे नहीं करेंगे, NPR का डेटाबेस यूज करके डाउटफुल सिटीजन का डेटाबेस क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे, या डाउटफुल सिटीजन का नोटिस दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये सवाल सरकार से पूछना जरूरी है। एक दिन अमित शाह ने कहा कि NPR और NRC के बीच में कोई लिंक नहीं है, उसके अगला ही दिन रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नहीं NPR का डेटाबेस जो है हम यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते, क्या जवाब है? एक दिन जो अमित शाह कहते हैं वो 2 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री और दूसरा कहते हैं, जब उसके बाद अमित शाह कुछ कहते हैं उसके अगला दिन जो है कानून के मंत्री कुछ और कहते हैं, तो ऐसे कैसे चल सकता है ऐसे? और एक चीज भी पूछना है, देने वाला कानून है ये मानता हूँ, ये कुछ लोगों को देने पर कुछ लोगों को नहीं भी दे रहे हैं, और जो दे रहा है वो सिर्फ धर्म के बेसिस पे दे रहे हैं। और जब इसको जो है आप जैसे आसाम में 19 लाख लोग हैं, 19 लाख लोग में हिंदू भी है मुसलमान भी है, जो सिटीजन से यहाँ के और कागज ना दिखाने के कारण वो एक्सक्लूड हुए, अगर आप हिंदू है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। हरास तो वो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पिछले 5 साल से हो रहा है, आज भी हो रहा है, पर उनको नागरिकता वापस मिल सकते हैं। पर अगर मुसलमान है तो कागज ना होने के कारण, ये कानून को जब NRC के साथ आप जोड़ के समझोगे तब लगेगा कि कितना ज्यादा खतरनाक बात है ये। अब ये CAA सिर्फ एक चीज देखोगे तो संविधान के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ सिर्फ ये नहीं है, वो हर तरीके का, पहली बार जो है नागरिकता पे मजहब धर्म के नाम लिखे गए पहली बार इस देश में। जो हमारे इतना ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़ी जो उसके बाद नागरिकता बनाए, तब हमने ये डिसाइड किया था कि कोई धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं होगी, और पहली बार 70 साल में पहली बार जो पत्र में कभी नहीं हुआ, नागरिकता में हमने धर्म लिख दिया, ये लिखा है। तो सवाल सरकार से बहुत सारे, और सरकार के पास जवाब नहीं है। आप ये सवाल पूछेंगे भी तो पूछेंगे कि तुम पाकिस्तान की भाषा मत बोलो, यही मुझे लगता है। पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लगातार सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। नहीं देखिए, ये सरकार ने एक चीज पहले ही शुरू कर दिया था कि सरकार से जो भी सवाल पूछे उनको कुछ नाम दिया जाए। अगर स्टूडेंट सवाल उठाता है तो उनको बोल दिया टुकड़े टुकड़े गैंग। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बोलता है, कोई शहर में रहता है, तो उसको बोल दिया अर्बन नक्सल। अगर कोई
हिंदू बोल दिया तो हिंदू तो बोल नहीं सकता। वैसे इनको लगता है कि हिंदू सरकार से सवाल कैसे पूछ सकते हैं, जैसे मैं सवाल पूछता हूँ तो मैं देशद्रोही बन जाता हूँ, अगर कोई गरीब बंदा बोल जाता है तो प्रॉपर नक्सल बन जाता है वो, या आदिवासी पूछता है तो, कोई ईसाई पूछता है तो उसको बोल देते हैं कि वतिकान का स्टूजो, कोई मुसलमान सवाल उठाता है तो आतंकवादी और पाकिस्तानी बोलते हैं, ठीक है। जो भी इस सरकार से सवाल पूछता है उन सबको इन्होंने एक नाम दे दिया है, कोई ऐसा नहीं है जो इस सरकार से सवाल कर सकता है, तुरंत नाम आ जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। वो डेस्परेशन उनका दिखाता है कि नाम, क्योंकि जवाब जब नहीं है ना तभी आप नाम बुलाता है। कॉलेज स्कूल में बच्चे से आपस में लड़ाई जब करते हैं, बताओ तुमने क्यों किया, तो सामने वाला बोलेगा अच्छा तुम तो वैसे ही हो, तुम्हारे कुछ नाम दे देगा, उसके बाद वो चला जाएगा, तुम बंदर हो, तुम गधा हो, बोल के चला जाएगा। तो यही है, क्योंकि जवाब नहीं है, जो सवाल उठा रहे हैं उसके जवाब नहीं है, जवाब ना होने के कारण ये नाम बुलाना हो रहा है, तो बुलाते रहेंगे एक, और हर एक बात पे जो है उनको, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उनका इच्छा है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या पाकिस्तान का सरकार बनने का, क्योंकि हर दूसरे दिन वो पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर हमारे ही मुद्दा हमें कुछ वहां तक पहुंचाना है, मुझे लगता है पाकिस्तान की न्यूज़पेपर में लिखवाना होगा, क्योंकि पढ़ता वही है हमारा न्यूज, ना कुछ हमारे मुद्दे समझ रहे हैं ना हमारे मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, बल्कि जो है वही चाहते हैं कि इसको जिस लेवल तक नफरत फैला दो, जिस लेवल तक नफरत फैला दो, समझ भी नहीं रहे जितना नफरत वो फैला रहे। देश में एक चीज समझना जरूरी है, देशवासियों को अलग करके बांट के देश मजबूत हो नहीं हो सकता, ना एक हो सकता है। जो ये कर रहे हैं उनको, मुझे नहीं लगता या उनको पता है नहीं पता है पता नहीं, वो सिर्फ कुछ वोट्स के लिए, सिर्फ कुछ चंद वोट्स के लिए एनआरसी का मुद्दा शुरू किया आसाम के जो वोट्स के लिए, उसके बाद उनको लगा वेस्ट बंगाल में भी वोट मिल जाएगा तो वेस्ट बंगाल में शुरू किया, और वहां पे ये क्रोनोलॉजी समझाने लग गया कि ये पहले ऐसा है बाद में ऐसा है, क्योंकि उनको लगा कि वेस्ट बंगाल में मैं कुछ बोलूंगा वो बाकी के देश में सुनेगा नहीं, ऐसे थोड़ी ना है, अपने वीडियो बना के यूट्यूब में डाल देंगे तो सभी सुनेंगे। तो ये जो मूर्खता है इसी के कारण ये सब हुआ है, अमित शाह एक लौता कारण है जो यहाँ तक आज देश आके खड़े होने के लिए, और उसके उनको अभी ये लग रहा है कि बाकी सारे मुद्दे इस बात में सवाल नहीं उठ रहे तो इसी बात पे हम हिंदू मुसलमान करते रहो, पर ये हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं बन सकता है भी नहीं। मुसलमान बाहर इसलिए है क्योंकि अगर किसान के खिलाफ कोई कानून आता है तो किसान सड़क पे आता है, कोई आदिवासी के खिलाफ कानून आता है तो आदिवासी सड़क पे आता है, पर मुसलमान के खिलाफ तुमने कानून बनाया और तुम बोलते हो कि मुसलमान सड़क पे नहीं आ सकता, ऐसे क्या बात है, इस देश में सबके बराबर ही है। अगर तुम कानून खिलाफ बढ़ाए तो उनका उस पर प्रोटेस्ट करने का तो हक तो नहीं छीन सकते ना, वो तो छीनेंगे, पर सिर्फ मुसलमान नहीं आ रहे, हम सब आ रहे हैं। आप दिखा रहे हैं, मीडिया भी ये दिखा रहे हैं या फिर वो बता रहे हैं, ऐसे अभी ये 30,000 आदिवासी थे प्रोटेस्ट में, उनका मीडिया ना कहीं पे दिखाया ना कुछ बताया इसी एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ, क्योंकि कागज के ऊपर कुछ भी होगा वो हरासमेंट सबके ऊपर होगी, एनपीआर जो बताए जाएंगे उसके बाद वो बताएंगे, वो बोलते हैं कि कागज सबमिट करने की जरूरत नहीं है, पर ये नहीं कह रहे कि कागज दिखाने की जरूरत है कि नहीं, दिखाने में और सबमिट करने में अंतर है, सबमिट मतलब मुझे उनको देना होगा, दिखाना मतलब उनको दिखाना होगा, वो दिखा के अगर नहीं पता है वो कुछ भी लिख के जा सकता है उसमें, उसके बाद शक इसके ऊपर है उसके ऊपर है शक के बोलेंगे तो कैसे चलेगा। तो जिस तरीके से गुमराह कर सकते हैं जितना मर्जी कर सकते हैं वो करो, बस यही बात पे चल रहे हैं, पर जनता भी होशियार है, जनता भी समझ रहे हैं इस बात को, और इसीलिए लड़ाई यहाँ तक भी लड़ रहे हैं, वो कभी बोलते हैं कि कांग्रेस की लड़ाई है, कभी बोलते हैं पाकिस्तान की लड़ाई है, पता नहीं क्या क्या लड़ाई है, कम्युनिस्ट की लड़ाई है, लेफ्ट की लड़ाई है, हर तरीके का नाम देने की कोशिश करते हैं, पर बात यह कि जनता की लड़ाई है और जनता जो एक साथ होकर लड़ रहे हैं, कुछ लोग घर पे बैठे हुए यहाँ पे नहीं है पर वो घर पे बैठे इसके जो लड़ाई के लिए समर्थन दे रहे हैं वो समझ रहे हैं। अभी सर्वे भी हुआ उसमें भी लोग यही बोले, नहीं इनका कंसर्न वैलिड है, मेजोरिटी लोगों ने ये बोला, चाहे वो सड़क पे नहीं हो पर ये बोल रहे कि इनकी कंसर्न वैलिड है, वो समझदारी सब में है, पर उत्तर प्रदेश थोड़ा अलग ही दिशा में चल रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसी बात को मतलब वो अपने आप को अगला लीडर करने का कोशिश में है, इसलिए वो ज्यादा नफरत फैलाने में लगे हुए हैं और यहाँ पे काफी नेता अब दिल्ली में भी जाके फैला रहे हैं।